कांग्रेस एक के बाद एक फिर राज्य में सरकार बनाएगी, ये कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का, जो कोटा संभाग के दौरे पर है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए केंद्र सरकार को विफल बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित में कार्य कर रही है और इसके लिए फ्लैगशिप योजनाओं के साथ बजट में भी कई घोषणाएं की गई है। केंद्र सरकार ने सिर्फ महंगाई बढ़ाने का काम किया है, जिससे जनता आज त्रस्त है। इस दौरान उन्होंने विधायक भरत सिंह की नाराजगी, सदस्यता अभियान सहित अन्य बिंदु पर अपनी बात कही। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को कांग्रेस की आइडियोलॉजी, उसके महान नेताओं का इस देश के विकास में योगदान, ये सब चीज़ें बताने के साथ साथ हम हमारी सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसकी फ्लेक्सिब योजनाओं की जानकारी हम लोग दे रहे हैं। कैसे लोगों तक राहत पहुंचे, कैसे लोगों तक बजट में जो घोषणाएं हो रही हैं, जो फ्लेक्सिब योजनाएँ हमारी सरकार चला रही है, उसका लाभ गाँव, गरीब, ढाणी, खेत खलिहान, वार्ड में बैठे लोगों को कैसे मिले, इस बात के लिए हम लोग इनको जो जागरूक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ केंद्र की सरकार जिसने हमको ठगा है 8 साल से, वो विफल रही है। उसकी कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे महंगाई कम हुई हो, बेरोजगारी कम हुई हो, आम जनजीवन सामान्य हुआ हो, या किसानों के लिए किसी प्रकार से उन्होंने कोई अच्छी योजना लाए हूँ। कांग्रेस पार्टी जीते की भैया 2023 में सरकार। वही डोटासरा का झलावाड़ जाते समय जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता विद्याशंकर गौतम के नेतृत्व में हैंगिंग ब्रिज के पास डोटासरा का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। मंच पर 21 किलो की माला पहनाकर साफा बांधा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हैंगिंग ब्रिज के बाद झलावाड़ रोड पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में डोटासरा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, शिवकांत नंदवाना, पूनम गोयल, कोटा उत्तर महापौर मंजू मेहरा, उप महापौर पवन मीणा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। स्वागत के बाद वह झलावाड़ के लिए रवाना हो गए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के झलावाड़ जाते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। हैंगिंग ब्रिज से जैसे ही काफिला आगे बढ़ा तो कोटा विश्वविद्यालय के पीछे बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और काफिले को काला झंडा दिखाकर रोकने लग गए। इस दौरान पीछे चल रहे पुलिसकर्मियों ने डंडे फटकार लगाकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और इस दौरान कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हमने उनको शांतिपूर्ण तरीके से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के द्वारा हमारे जिलाध्यक्ष जी को और महामंत्री जी को लठ देके गिरफ्तार किया गया। वैसे भी हम कार्यकर्ता सतीश जी पुनिया के साथ जब ये हुआ था तो इस प्रकार कांग्रेस के लिए पुलिस ने कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन आज जब हम शांतिपूर्ण इस प्रदर्शन एक काले झंडे दिखाने आए थे तो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी को और महामंत्री जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के मामले में बीजेपी के पदाधिकारियों ने पुलिस पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप जड़ते हुए आरकेपुरम थाने पर धरना देकर हंगामा किया और कार्यकर्ताओं को छोड़ने की मांग की। इस दौरान शहर जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी, जिला महामंत्री जगदीश जिंदल, वरिष्ठ भाजपा नेता विकास शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आरकेपुरम थाने पर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में पुलिस ने जल्द कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा तो उग्र आंदोलन होगा। और आज शांतिपूर्वक काले झंडे दिखाने के बाद में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। एक ही शहर वही पुलिस। मेरा पुलिस से प्रश्न है, किस कानून के तहत अभी तक साखला की गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कानून अलग है या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कानून अलग है? FIR लॉज होने के बाद भी वो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज तक भी गिरफ्तार नहीं हो पाए। आज जब डोटासरा यहाँ आए, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक तरीके से उनको काले झंडे दिखाए, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सहित 5 कार्यकर्ता अभी पुलिस की गिरफ्त में है। हमारी मांग है उन्हें बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए, कोई धारा नहीं लगाई जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को 2 दिवसीय हाड़ौती दौरे पर है। इस दौरान उनका जयपुर से कोटा झलावाड़ जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वे अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम में हाड़ौती के दौरे पर आए हैं, जिसमें कोटा बूंदी बारा का कार्यक्रम है।
स्वागत के दौरान पूर्व मंत्री व प्रदेश उपाध्यक्ष हरि मोहन शर्मा, सत्येश शर्मा पूर्व प्रधान, बूंदी प्रधान सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं तालेड़ा में भी पूर्व विधायक सीएल प्रेमी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डोटासरा का माला व साफा बंधवा कर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शहाबुद्दीन जैट समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।